brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. रूस भारत का बेहद करीबी मित्र है। भारत पर अगर कभी किसी ने उंगली उठाई या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को कूटनीतिक समर्थन की जरूरत पड़ी तो रूस ने हमेशा पहली पंक्ति में खड़े होकर या फिर यूं कहिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहने वाला देश है। अब खबर आ रही रूस ने S-400 मिसाइल बनाकर पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगू ने कहा कि रूसी एयर डिफेंस फोर्सेस को नया हथियार दिया जा चुका है। ये हथियार दुनिया की सबसे बेहतरीन रक्षा प्रणाली है। इसमें दो तरह के बदलाव किए गए हैं जो किसी भी तरह के स्टेल्थ फाइटर जेट, हाइपरसोनिक मिसाइल या हथियार या फिर अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट को नष्ट कर सकता है। रूस इस मिसाइल की 10 बटालियन तैनात करना चाहता है। अगर रूस अपनी सीमाओं पर इसे तैनात कर देता है तो उस पर किसी भी तरह का हवाई हमला नामुमकिन हो जाएगा। इस मिसाइल प्रणाली का नाम है S-500 प्रोमोटे। यहाँ पर प्रोमोटे का मतलब प्रोमेथियस से है। प्रोमेथियस ग्रीस का प्राचीन अग्नि देवता था। उसके नाम पर इस एयर डिफेंस सिस्टम का नाम रखा गया है। रक्षा प्रणाली लंबी दूरी की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस है, यानी किसी भी तरह के हवाई हमले को ये खत्म कर सकती है। तो ये था रूस की ओर से आया हुआ धमाकेदार बयान, जिसे सुनकर हर भारतीय खुशी से गदगद हो रहा होगा, क्योंकि रूस भारत का पक्का दोस्त है। और अगर बात S-500 की करें तो S-500 को दुनिया की सबसे उन्नत मिसाइल सिस्टम माना जाता है, जो हाइपरसोनिक मिसाइलों को पल भर में नष्ट कर सकता है। रूसी एक्सपर्टों का मानना है कि S-500 क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों के अलावा लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइटों और पांचवी पीढ़ी की स्टेल्थ विमानों को नष्ट कर सकता है। इससे पहले S-300 और S-400 रूस तैनात कर चुका है। S-300 जहां 150 किलोमीटर और S-400 सिस्टम 400 किलोमीटर तक जा सकता है, S-500 की रेंज 600 किलोमीटर तक मानी जा रही है। चलिए अब जानते हैं क्या कुछ है इसकी खासियत। दरअसल S-500 मिसाइल सिस्टम की अधिकतम रेंज 595 किलोमीटर होगी। इस सिस्टम की मिसाइलों को BAZ ट्रक की चेचिस पर 10x10 ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर पर लगाया गया है। इससे इन मिसाइलों को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से और कम समय में तैनात किया जा सकता है। S-500 मिसाइल प्रणाली में वेरोनिस लॉन्ग रेंज अर्ली वार्निंग रडार लगाया गया है। वैसे रूस और भारत पक्के दोस्त हैं, ये हम आप और पूरी दुनिया जानती है, और रूस की ओर से ये पहले ही कहा जा चुका है कि भारत को S-500 प्रोमोटे दी जाएगी। खुद रूस के पूर्व डिप्टी PM यूरी बोरिसोव ने ऑयल एंड गैस फोरम में बोलते हुए पहले ही कहा था कि भारत S-500 का पहला खरीदार बन सकता है। हालांकि रूसी सशस्त्र बलों के सिस्टम से लैस होने के बाद ही इसकी आपूर्ति पर चर्चा होगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि जब तक देश की अपनी सेना हथियार प्रणाली से लैस नहीं हो जाती, तब तक विदेशों में नहीं बेचना ये एक आम बात है। लेकिन भारत एक संभावित ग्राहक है, लेकिन अभी तक किसी समझौते के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है। खैर, आपका क्या कुछ कहना है S-500 मिसाइल सिस्टम को लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।